वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर नया ट्यूटोरियल में पावर पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट्स को हम सीखने वाले हैं, जिसमें पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको विंडो की के साथ आर प्रेस करना होगा और नीचे की तरफ जो रन कमांड आपको शो हो रही है उसमें आपको पावर पीएनटी टाइप करना होगा। पावर पीएनटी टाइप करते ही उसका जो ईएक्सई है, जिस नेम से है, वो हमारी करंट पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर को ओपन कर देगा। तो यहाँ पे पावर पॉइंट जो कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ऑफिशियल वर्क के लिए या एक स्टूडेंट की लाइफ में प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, किसी भी तरीके से डिज़ाइनिंग फुल वर्क करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पावर पॉइंट 2019 को हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर न्यू ऑप्शंस पे आपको जाना है और न्यू ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके के कुछ सजेशन हमें दिए गए हैं प्रेजेंटेशन बनाने के, जिनमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन सबसे फर्स्ट है, यानी कि आप खुद से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन देके खुद से उसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि डिज़ाइन ऑलरेडी आपको मिले तो आप ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। सपोज़ यहाँ से हम किसी भी एक ऑप्शंस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम उसे ओपन कर पाएंगे। तो प्रेजेंटेशंस यहाँ पर ओपन हो रही है, डिज़ाइन ऑलरेडी ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिकॉर्डिंग से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस खुल गया है। कंट्रोल W हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो हमने डिज़ाइन चूज़ करा था उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशंस हमें से हो रहा है। सपोज़ मुझे यहाँ पर कोई भी एक मैसेज डालना है, मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर भी कुछ टाइप कर देते हैं, विजिट www.selfadhyan.in पर। तो एक प्रेजेंटेशन में मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का एक पेज बनाया है। इस पेज के अंदर हम और भी वर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो डिज़ाइन ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, डिज़ाइन में से भी आप इसे मैनुअली बदल सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने चूज़ करा था वो फिक्स नहीं है, आप इसे मैनुअली यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से जैसे टेक्स्ट इफेक्ट है वो यहाँ पर रैंडमली शो हो रहे हैं। अब अगर हम इसे प्रेजेंटेशंस को सेव करना चाहते हैं, पहले कुछ बेसिक डिटेल हम देख लेते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं। टैब वाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि प्रेजेंटेशंस कैसे बनाएंगे वो तो हम आगे डिटेल में सीखेंगे ही, साथ ही साथ पहले टैब वाइज कुछ ऑप्शंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो आपको अगर प्रेजेंटेशन पहले से सेव करना है, क्योंकि बाद में हम जितनी भी स्लाइड्स डालेंगे वो इसी नाम में हमारी सेव होती रहेगी। तो दिस पीसी के अंदर हमने यहाँ पर सेल्फ अध्ययन गुरुजी प्रेजेंटेशन नाम से यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन सेव कर दी है। अब होम टैब के अंदर सबसे पहले आप देखें लेआउट ऑप्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक और स्लाइड को जोड़ने वाले हैं। स्लाइड आपको कैसी चाहिए, यहाँ पर उसके सजेशन आपको मिल रहे हैं। आप एक ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगी। अब इस पर कोई टेक्स्ट आपको लिखना है तो आपको टेक्स्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उसको आपको यहाँ पर ड्रॉ करके लिखना होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो लेआउट ऑप्शन से यहाँ से उसका लेआउट बदल सकते हैं। सपोज़ आपको सिर्फ टाइटल देना है या टाइटल के बाद उसका कंटेंट भी लेना है, तो नंबर दो ऑप्शन पे टाइटल एंड कंटेंट इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं जो भी आपका टाइटल है। सपोज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रोफेशनल मटेरियल और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है एमएस ऑफिस टैली बिजी अकाउंटिंग प्रोग्रामिंग। इस तरीके से हमने कुछ कंटेंट्स यहाँ पर डाल दिए हैं। एमएस ऑफिस में ये हमारे सारे कैरेक्टर अगर स्मॉल हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, डबल ए ऑप्शन, आप देख सकते हैं चेंज केस। इस चेंज केस से आपको अपर केस अगर करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, कैपिटलाइज करेंगे तो सारे हमारे केस चेंज के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ इनको अगर हम थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो B4 बोल्ड पे क्लिक करते हुए हम अपने कंटेंट्स को डार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें कलर भी देना है तो कलर स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे फॉर्मेटिंग के पार्ट्स हैं। प्रोफेशनल मटेरियल को हमें डायरेक्शन अगर देनी है तो सेंटर,
लेफ्ट या राइट जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं वो डायरेक्शंस यहाँ पर बदल सकते हैं। साथ ही साथ नीचे जो हमने कंटेंट दिया है उनमें अगर हमें बुलेट्स बदलनी है तो ऊपर की तरफ बुलेट्स ऑप्शन से आप उन बुलेट्स को बदल सकते हैं, और अगर हमें इनके अलावा कोई और बुलेट्स चाहिए तो बुलेट एंड नंबरिंग पे क्लिक करते हुए नीचे से आपको जाना होगा कस्टमाइज ऑप्शंस पे, और यहाँ पर कुछ सैम्पल्स हैं। अगर इन सैम्पल्स में से आप यहाँ से फ़ॉन्ट बदल देते हैं जो कि वेबडिंग या विंगडिंग अगर आप चुनते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको सिंबल्स दिखेंगे। इनमें से आप जो भी सिंबल ओके प्रेस कर देंगे और ओके प्रेस करने पे वो आप देखेंगे यहाँ पर बुलेट्स चेंज हो चुकी है। तो हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बुलेट्स में, साथ ही साथ अगर आपको नंबरिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है अपनी कंटेंट्स पर तो नंबरिंग ऑप्शंस के अंदर अलग अलग तरीके से ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। आप डिजिट्स में चाहते हैं या रोमन या अल्फाबेटिकल, किसी भी तरीके से आप अपने कंटेंट्स को लिस्ट को सेट कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर इंडेंट्स के साथ इसको इनक्रीज़ करना चाहते हैं लेवल को तो आप देखेंगे बुलेट्स के साथ साथ यहाँ पर लेवल हमारा इनक्रीज़ हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से स्पेसेस या टैब देते हैं तो आप देखेंगे कि बुलेट्स हमारी मूव नहीं हो रही है, हमारा सिर्फ टेक्स्ट वहाँ पर मूव हो रहा है। तो अगर आप बुलेट्स भी साथ में मूव कराना चाहते हैं तो उस केस में हमारा इनक्रीज लिस्ट लेवल का हम यूज़ करते हैं। जैसे एमएस ऑफिस के अंदर अगर हम लिखें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, तो ये हमारे सब कंटेंट हैं और इन कंटेंट्स का लेवल हमें बदलना है क्योंकि ये मेन कंटेंट्स नहीं है, ये एमएस ऑफिस के पार्ट हैं। तो उस केस में हम यहाँ से इसका लेवल बदल देंगे और साथ ही साथ अगर उसके बुलेट्स बदलना चाहें तो वो भी बदल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। साथ ही साथ अगर आप इनके लाइंस में गैपिंग करना चाहें तो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है लाइन स्पेसिंग का, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग को अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। ज़्यादा मैटर है तो हमें लाइन स्पेसिंग कम सेट करनी होगी क्योंकि प्रेजेंटेशन से फिर वो लाइनें बाहर चली जाएंगी। अगर हमें अपने डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो कॉलम कमांड्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, हम यहाँ से इसे कॉलम में सेट कर पाएंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट से हम अपने डेटा को किसी स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं अलग अलग जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था वो यहाँ पर अलग अलग स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट होते हुए हमें शो हो रही है। तो ये सभी कंटेंट्स हम कर पाएंगे, जो हमने सब पार्ट बनाया था वो आप देख पाएंगे एमएस ऑफिस के अंदर अलग से कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने वर्क को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने के बाद। तो होपफुली पहली क्लास में आपको ये सभी चीज़ें जो बेसिक हमने सीखा है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसी से रिलेटेड कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और बाकी के जो होम टैब से रिलेटेड ऑप्शंस हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के अपडेशन के लिए बने रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।